जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DVA ऑनलाइन स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे जितने भी रेलवे के ओल्ड आप स्लिप पेपर हैं वो सारे आप स्लिप पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप रेलवे NTPC या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से साथवें वाले सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले रेलवे NTPC या रेलवे ग्रुप डी की एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो पिछले कुछ वर्षों में हमारे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC और रेलवे लोको पायलट और रेलवे JEE के जो एग्जाम हुए थे वो सारे पेपर यहाँ पे सॉल्व करा जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, जो 2018 में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों हमने आज 5 दिसंबर 2018 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर लिया है। और दोस्तों इस पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए होंगे वो सारे मैथ के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही ईजिली तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई क्यूरी या कोई डाउट हो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपनी क्यूरी मुझ तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों इन सभी का लिंक दोस्तों हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जुड़ करके अपनी क्यूरी मुझ तक पहुँचा सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग हर रोज की तरह आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों इस पहले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, हमको अगला पद निकालना है। यहाँ पे दिया गया 13, 37, 61। तो दोस्तों यहाँ पे 13 से 37 कैसे बनाया गया और 37 से 61 कैसे बनाया गया और 61 से हम आगे क्या बनाएंगे। तो अगर दोस्तों देखें 13 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 39 हो जाएगा। दोस्तों 39 हमने 2 कम कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 37। तो यहाँ पे हमने दोस्तों यहाँ पे क्या फिल कर दिया, 37। अब अगर दोस्तों हम देखें फिर 13 में हमने इसने क्या किया है, अगली बार 5 का मल्टीप्लाई किया तो 13 55 हो जाएगा दोस्तों। और इस बार इसने 4 माइनस किया तो दोस्तों मिल गया 61 मिल गया। तो अगली बार दोस्तों हम यानी कि 2 2 यानी 3 2 5 5 2 7, इस बार हम 13 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा। और 13 7 91 दोस्तों, और फिर दोस्तों 91 से इस बार हम कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बन जाएगा फाइनली 85 बन जाएगा 85। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, 85 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है डिवाइड 137592 यानी कि दोस्तों 137592 बाई द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द देयर इज नो रिमाइंडर एंड द क्वांटेंट इज ए परफेक्ट क्यूब, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वांटेंट। हमको इसका परफेक्ट क्यूब क्वांटेंट बताना दोस्तों। अगर हमें 137592 जो दोस्तों ये दिया गया है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें मतलब इसे गुणनखंड निकालें दोस्तों, तो ये हमारा सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 2 8 16, 2 7 14, और फिर दोस्तों 2 9 18, 2 6 12 हो जाएगा। फिर अगर दोस्तों देखें तो 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18, और फिर दोस्तों 2 8 16 हो जाएगा। फिर अगर दोस्तों और भी कट करें 2 से, 2 1 9 2, 2 7 14, 2 1 9 2, 2 9 18, 2 9 18 हो गया। और दोस्तों और भी अगर इसको आगे हम बढ़ाएं तो यहाँ पे हमारा 3 से कट जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 2 बचा तो 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा। फिर अगर दोस्तों 3 से और भी हम कट करें तो 3 1 9 3, 3 9 27, 3 1 9 3, 3 1 9 3। अब अगर दोस्तों इसको हम और भी कट करें तो ये हमारा कट जाएगा दोस्तों, हमारा 7 से कट जाएगा पूरी तरीके से, 7 2 9 14 दोस्तों, बचा 5, तो यहाँ पे हो गया हमारा दोस्तों 51 हो गया, तो 7 7 49 हो जाएगा, बचा 2 7 3 21। और दोस्तों हमारा अभी 7 से और कट रहा है तो 7 से हम और कट कर देंगे, 7 3 21 हो जाएगा दोस्तों, 21 6, तो 7 9 63। अब दोस्तों ये हमारा 13 से कट जाएगा, 13 3 39, और फिर दोस्तों एक बार 3 से हमारा और कट जाएगा। तो अब अगर दोस्तों इसके हम पेयर बनाएं तो हमारा 1 2 का पेयर ये बन जाएगा दोस्तों, 2 3 हमारे ये हैं और 1 सिंगल 3 हमारा ये यहाँ पे है, तो इसका 3 का भी एक पेयर बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा इसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी कि 6 ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है 148 और 370 का मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको मासा निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा है मासा निकालने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं और उस बड़ी से बड़ी संख्या को देखते हैं क्या उस बड़ी संख्या से ये दोनों डिविजिबल हैं। अगर 148 से दोस्तों हम 148 को कट करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर इसको हम कट करेंगे तो ये हमारा पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा।
तो इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये 148 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पर तो अगर दोस्तों हम 37 से देखें तो 37 से भी हमारे दोनों ये डिविजिबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए दोस्तों हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर दोस्तों हम 74 से देखें तो 74 से दोस्तों देखेंगे तो 74 से हमारा ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। अगर 74 दूना 148 होता है दोस्तों, और अगर इसको देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 5 से कट जाएगा, 74 पंचे 370। तो दोस्तों हमारा इस प्रकार से ये 74 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि मासा बन जाएगा दोस्तों 74। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन अगला दिया गया, हाउ मेनी सेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द ब्लू फिगर्स, यानी दिए गए फिगर में कितने सेक्टर यानी कि कितने कोण हमको दिखाई दे रहे हैं, हमको ये बताना दोस्तों। एक कोण तो हमारा ये बन जाएगा, एक हो जाएगा, ये दो बन जाएगा और ये तीन हो गया। तीन के बाद दोस्तों ये हमारा चार बन जाएगा, ये पाँच बन जाएगा और दोस्तों ये छः बन जाएगा। छः के बाद दोस्तों ये सात बन जाएगा और ये आठ बन जाएगा और ये नौ बन जाएगा। नौ के बाद दोस्तों ये हमारा 10 बन जाएगा, फिर ये दोस्तों 11 और ये 12 बन जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों हमारा ये बड़े वाले ट्रायंगल पे कितने बन गए, 12 बन गए, और अंदर भी सेम यही डायग्राम छोटे से बना है तो ये भी इसमें भी 12 बन जाएंगे दोस्तों। तो 12 12 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, हमारे पहले वाले डायग्राम पे 24 बन गए। अब 24 ही दोस्तों इसमें भी बन जाएंगे तो 24 प्लस 24 टोटल कितना हो जाएगा, 48 हमारा बन जाएगा। यानी कि इसमें कितने हमको सेक्टर दिखाई देंगे, इसमें डायग्राम में हमको दोनों मिला के 48 सेक्टर दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया, 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसमें 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, परिपक्वता पर 324 बन जाती है, निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी, हमको ये ज्ञात करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 2 वर्ष बताया गया है, तो 2 वर्ष के लिए अगर हम टेबल बनाए तो हमारा 2 वर्ष के लिए टेबल ये बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं दोस्तों वो धन कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा, और 20% अगर हम जोड़ें तो यहाँ पे 20% की वार्षिक दर से, तो 20% हमने ये कर दिया और पहले 1 वर्ष के लिए ये रख दिया हमने 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय दोस्तों बटे 100 कर दिया, 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा दोस्तों यहाँ पे हमारे 20 20 रख दिया, फिर दोस्तों 20 ही हमारा सेम यहाँ भी आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम 20 का 20% निकालें सेकेंड वर्ष के लिए दोस्तों, फिर एक अगले वर्ष के लिए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। अब अगर इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 44 44। दोस्तों हमारा क्या हुआ, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है दोस्तों। अब हमको निकालना है मिश्रधन निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो मिश्रधन दोस्तों हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो यानी कि हमारा ये 100 था मूलधन प्लस ये 44 ऐड हो जाएगा, तो फाइनली हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन बन जाएगा 144 बन जाएगा। अब 144 दोस्तों जो ये हो जाएगा हमारा ये 324 के इक्वल हो जाएगा, 144 दोस्तों हमारा हो जाएगा 324 के इक्वल, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 324 बटे 144। अब हमको 100 बराबर निकालना था तो यहाँ पर हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे अब इसको हम कट कर देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली इसको कट करने पे आ जाएगा हमारा 225 हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 4th के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा। तो दोस्तों यानी कि इकाई का अंक हमको निकालना है, जब कभी भी इकाई का अंक निकालना हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने इससे इकाई के अंक निकालने से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाइएगा वहाँ पे प्लेलिस्ट में मैथ नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आप जाकर के दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इकाई का अंक ले लेते हैं 3, यहाँ पर इकाई का अंक 3 दिया गया है दोस्तों। जब दोस्तों यहाँ पर 3 इकाई का अंक दिया हो या फिर 7 दिया गया हो तो उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड अगर पूरा पूरा हो जाता है दोस्तों तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, अगर उसकी पावर 4 से डिवाइड नहीं होती है तो हम जितना भी शेष बचता है उसकी पावर उतना लगा करके उसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 3 की पावर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो इस दोस्तों हम ये 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 3 की पावर 2 बच जाएगा। अब दोस्तों 3 की पावर 2 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 9 होता है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, यानी कि 9 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 24 मीटर इन 6 सेकेंड एंड एनअर 16 मीटर इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड
ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमको ये निकालना है, औसत दूरी निकालनी है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमको एक ट्रैवल बताया गया है टोटल 24 मीटर का, दूसरा ट्रैवल की जो डिस्टेंस बताई गई है दोस्तों 16 मीटर का। टोटल समय कितना लग रहा है दोस्तों यहाँ पे 6 सेकंड का और फिर 4 सेकंड का लग रहा है। ये हमारा क्या निकल रहा है, एवरेज स्पीड निकल रहा है। तो अब दोस्तों 24 और 16 हम जोड़ेंगे तो 24 छः 30 10 दोस्तों हो जाएगा 40 और 6 4 10 दोस्तों ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा आ गया यहाँ पे 4 मीटर सेकंड इनवर्स दोस्तों बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया 5/12 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो। तो यहाँ पे बताया गया 5/12 को किस संख्या से गुणा किया जाए। मान लीजिए दोस्तों हमने x से गुणा किया जाए तो हमको प्रतिफल क्या मिल जाएगा, 25/3 मिल जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 चौक दोस्तों 12 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, तो 4 5 20। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 20। तो हमारी वो प्रतिफल क्या हो जाएगा दोस्तों, किस संख्या से गुणा किया जाए, 20 से गुणा किया जाए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फोर्थ के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया द स्क्वायर रूट ऑफ 41,616 एच, यानी कि 41,616 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 41,616 ये दिया गया है। तो मैं आप तुमको दोस्तों बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये जो इकाई का अंक 6 दिया गया है, किसके स्क्वायर में इकाई का अंक हमको 6 मिलेगा। तो दोस्तों एक तो हमको 4 के स्क्वायर में 6 मिल जाएगा और दोस्तों हमारा 6 के स्क्वायर में 6 मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर हम देखें तो अब क्या किया जाता है, इतना काम करने के बाद ये दो अंकों को नेगलेक्ट कर देते हैं, बाकी जो ये तीन संख्याएं हमारी बचती हैं, ये जो लास्ट की जो बची हैं, अब ऐसा देखते हैं कि 416 हमारा किसके स्क्वायर के करीब पड़ेगा। अगर दोस्तों हम 20 देखें तो 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400, तो 20 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400। अब अगर दोस्तों 21 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे 441 हो जाएगा। तो अब बात एक हमको दोस्तों ये देखनी है कि हमको तो 416 तक पहुंचना था, लेकिन दोस्तों अगर 441 हम 21 ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा परफेक्ट कौन बनेगा, यानी कि कम या तो मिल जाए दोस्तों 416, ये तो फिर ज़्यादा ना होने पाए, तो हमारा यानी कि 20 हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों 20 के साथ हम इस 4 को लेंगे कि 20 के साथ इस 6 को लेंगे, अब हमको ये बात डिसाइड करनी है। ये बात कैसे डिसाइड होती है दोस्तों, आपको देखना है दोस्तों कि 400 से हमको 416 तक जाना है, यानी कि हमको 16 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, और 416 से हमको 41 तक जाना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा स्टेप चलने पड़ेंगे, तो 20 यानी कि 25 स्टेप आगे चलने पड़ेंगे। तो नज़दीक कौन पड़ता है दोस्तों, हमारा नज़दीक ये 20 वाला ही पड़ जाएगा, यानी छोटा पड़ जाएगा ये। तो इसलिए दोस्तों हमारा छोटा वाला इसके साथ यानी कि 204 ले लिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 204। 204 ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड पर दिया गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है इन ए ग्रुप ऑफ 1000 स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट्स रीड ए 4 सब्जेक्ट एंड एवरी सब्जेक्ट इज रीड बाय 25 स्टूडेंट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट आर, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे कहा गया है इन ए ग्रुप ऑफ 1000 स्टूडेंट, एक ग्रुप में 1000 स्टूडेंट हैं दोस्तों, और कहा गया है एवरी स्टूडेंट रीड 4 सब्जेक्ट, प्रत्येक स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट पढ़ता है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट बन जाएंगे दोस्तों, अगर हम देखें तो 4000 सब्जेक्ट बन जाएंगे। ये क्या बन गया दोस्तों, टोटल सब्जेक्ट बन गया, टोटल है दोस्तों ये टोटल सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हमारा हो गया टोटल सब्जेक्ट बन गया। अब जब ये टोटल सब्जेक्ट बन गया दोस्तों, तो इस टोटल सब्जेक्ट में बताया गया है कि रीड बाय 25 स्टूडेंट इस टोटल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो यानी कि ये 25 का अगर हम इस 4000 में डिवाइड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 25 16 हम दोस्तों होता है 400। तो अब दोस्तों यहाँ पे 400 हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमारे 0 इधर भी एक 0 बना लेंगे, कुल मिला के दोस्तों हमारा 160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे फोर्थ के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है यदि 2x² प्लस का x माइनस 28 लेस देन 0 हो तो निम्नलिखित में से x के सभी संभव मान कौन विनिर्दिष्ट करता है, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया है 2x² प्लस का x माइनस का 28 लेस देन 0। अब हमको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि हम 28 × 56 होता है, मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों 56 हो जाए, घटाने पे हमारा x 1 आ जाए, तो 8 × 7 दोस्तों 56 होता है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2x² प्लस का 8x प्लस का माइनस का यहाँ पे 7x माइनस का यहाँ पे 28 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, 2x हमारा कॉमन हो गया, तो x प्लस हमारा हो गया 4,
और फिर यहाँ पे दोस्तों अगर माइनस हमने 7 कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस का 4 हो गया। देन हमारा दोस्तों यहाँ पे एक ब्रैकेट में हमारा एक्स प्लस 4 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों हमारा आ जाएगा 2x माइनस का 7 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू एक तो आ जाएगी दोस्तों माइनस 4, दूसरी बन जाएगी हमारा 7/2 बन जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकेंड के साथ एक्स की वैल्यू एक माइनस 4 दी गई है और 7/2 दी गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सेकेंड के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 21 और 280 का लासा क्या होगा। लासा निकालने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 21 से आप इनमें से किसी एक संख्या को सबसे बड़ी ले लीजिएगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो अगर 21 से और 280 से दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएं तो वही हमारे इस क्वेश्चन का लासा बन जाएगा। तो 21 से अगर दोस्तों हम इसको कट 56 को देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा 56 नहीं पूरा पूरा कटेगा, और तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो दोस्तों 112 भी हमारा पूरा पूरा नहीं कट पाएगा। तो अब दोस्तों अगर हम देखें ये 21 चौको 84 और 28 तिरको दोस्तों मतलब दोस्तों 28 तिरको हो जाएगा हमारा 840। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये हमारा 21 और 28 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो 840 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे दिया गया 4.6 किलो वाट घंटा को हमको जूल में कन्वर्ट करना है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है ये प्रश्न हर एक पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं ले रहा हूं और हर एक पेपर में इसको मैं ले लेता हूं। आपको दोस्तों बता दूं जब किलोवाट घंटा को जूल में कन्वर्ट करना होता है तो जो ये 4.6 को हमको जूल में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे 3.6 इंटू 10^6 जूल का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 4.6 और 3.6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 16.56 यानी कि 16.56 इंटू 10^6 जूल। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सेकंड के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया ए सम ऑफ मनी फैन इन्वेस्ट ऑफ फॉर 3.5 ईयर 12% सिंपल इंटरेस्ट और फिर बीकम 852 ऑन मैच्योरिटी द सम इन्वेस्टेड वाज, हमको ये बताना है। तो यहां पे दोस्तों बताया गया है कि अगर जहां पे कोई धन है, मान लेते हैं दोस्तों वो धन हमारा 100 रुपया है और 3.5 ईयर के लिए वो इन्वेस्ट किया जाता है, 12% हमको उसमें सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है, अपान का हमने दोस्तों 100 कर दिया, ये पॉइंट से ये पॉइंट हमने कट कर दिया, तो दोस्तों ये 100 से 100 कट जाएगा, नीचे बचेगा 10 और नीचे जो हमारा 10 बचा दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना बचा 10, 10 से दोस्तों हमारा ये कट जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 और ये 5 से कटेगा 5 × 7 = 35, तो 6 × 7 = 42 दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का ये आ गया, हमारा 42 क्या आ गया दोस्तों इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया इस क्वेश्चन का। इतना रुपये मेच्योरिटी होती है दोस्तों, अगर हम इसका मेच्योरिटी निकालें तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि मिश्रधन यानी कि हो जाएगा दोस्तों हमारा 142 बन जाएगा। अब दोस्तों जो ये 142 दिया गया, 142 बराबर हो जाएगा हमारा 852, तो हमको वो धन निकालना है दोस्तों, तो एक बराबर निकालें दोस्तों तो 852 अपान का 142 हो जाएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे। अब दोस्तों अगर इसको हम कट करें तो ये हमारा कट जाएगा दोस्तों 2 से अगर हम कट कर दें दोस्तों तो 2 × 14 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ये 50 टाइम में कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ से अगर हम कट करें, अब दोस्तों अगर इसको कट करें तो 71 × 71 और 71 से दोस्तों ये 12 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों 12 और 50 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 12 × 50 तो 12 × 60 दोस्तों ये क्या बन जाएगा हमारा 600, तो हमारा वो राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, 600 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी बची हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। यदि आपको कोई सुझाव हो तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 8 दिया है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब दोस्तों जो sec थीटा दिया है, sec थीटा को अगर हम लिख लें तो यहाँ पे 1/cos θ और tan को अगर लिख लें दोस्तों हमारा यहाँ पे sin θ / cos θ बराबर दोस्तों हमारा 8 दिया गया हमने वो लिख लिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, और जब cos थीटा एलसीएम हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे 1 + हमारा sin थीटा हो जाएगा, बराबर कितना दिया गया है 8 दिया गया है। अब दोस्तों जब ये 8 दिया गया है, अगर इसको अब हम ऐसा लिख लें दोस्तों कि इसमें 1 + ये sin थीटा जो लिखा हमने लिख लिया
और अपान का जो ये कॉस थीटा लिख दिया, और ये वन माइनस साइन थीटा का हमने यहाँ पे परिमेयकरण करा दिया, वन माइनस साइन थीटा का बराबर आठ लिखा, आठ लिख दिया। दोस्तों ये ऊपर वाला हमारा वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा बन जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हमारा बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये कॉस थीटा ब्रिकेट में वन माइनस साइन थीटा बराबर दोस्तों आठ, एक कॉस थीटा से एक तो कॉस थीटा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा दोस्तों हमारा कॉस थीटा अपान का वन माइनस साइन थीटा बराबर आठ। अब दोस्तों अगर इतने को हम ऐसे लिख दें, दोस्तों क्या लिख दें, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको वन माइनस साइन थीटा अपान का कॉस थीटा लिख दिया, और फिर दोस्तों हमने बराबर यहाँ पे आठ लिख दिया, वन माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर आठ। तो वन अपॉन कॉस, इसको हमने अलग अलग कर दिया, वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा बराबर दोस्तों हमारा जो ये आठ है तो ये एक बटे आठ बन जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि हमने पूरा पूरा उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक बटे आठ का जो इसमें भाग देंगे आठ का इसमें, तो आठ एकन्नम आठ हो जाएगा, मतलब दोस्तों जीरो पॉइंट लगा करके जीरो पॉइंट आठ एकन्नम आठ, फिर आठ दूना सोलह, आठ पन चालीस। तो कुल मिला के दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का 0.125। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है एक टैंक में तीन पाइप लगे हैं, पाइप ए एवं पाइप बी टैंक को भरने के लिए और पाइप सी टैंक को खाली करने के लिए। पाइप ए टैंक को अकेला 15 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को अकेला 24 घंटे में भर सकता है, पाइप सी अकेला भरे हुए टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, हमको ये ज्ञात करना है। एक टैंक में तीन पाइप लगे हैं, तो अब दोस्तों पाइप ए एवं पाइप बी टैंक को भरने के लिए, पाइप ए और बी भरने के लिए, बल्कि पाइप सी टैंक को खाली करने के लिए, खाली करने के लिए हमने कर दिया दोस्तों, ये हो गया। अब कहा गया पाइप ए टैंक को अकेला 15 घंटे में भर देता है, पाइप भी उसी टैंक को 24 घंटे में खाली कर देता है। अब 24 घंटे अकेले भर सकता है, अब पाइप सी खाली करता है दोस्तों 30 घंटे में, ये दोनों भरने का काम करते हैं, ये इतने घंटे में खाली कर देता है। अब दोस्तों अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम दोस्तों फाइनली हमारा बन जाएगा, यानी कि 15 24 30 का एलसीएम बन जाएगा हमारा 120। अब दोस्तों 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा, और यहाँ पे तीन चौक बार यानी कि 30 चौको 120 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है दोस्तों, तो यानी कि 8 5 13 की स्पीड से भरेगा और चार कम हो जाएगा, तो यानी कि तीनों पाइप जब ए बी सी खुले रहेंगे तो हमारा 9 के स्पीड से भरा जाएगा, 9 के स्पीड से 8 5 13 जाएगा और 4 निकल जाएगा दोस्तों, तो 9 बचेगा। तो अब दोस्तों ये कट रहा, हमने इसको कट कर दिया, 3 4 12 40 और 3 3 9, तो फाइनली दोस्तों हमको टोटल कितना घंटा लगेगा, 40/3 घंटा उस टैंक को भरने में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे थर्ड के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है इन सबका हमको योग बताना है, तो आई होप दोस्तों आप इन सबका योग कर लेंगे। योग करने पर दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 9.6105। फिर भी दोस्तों अगर आप ना कर पाए या फिर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जरूर इस क्वेश्चन को नेक्स्ट उसमें बता दूंगा। तो दोस्तों सिंपल है, इसको आप लोग ऐड कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है त्रिवेणी को 5.5 घंटे में 278 की यात्रा करनी पड़ी, हालांकि उन्होंने 3.5 घंटे के लिए 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा की, फिर यात्रा पूरी करने से पहले 20 मिनट तक विश्राम किया। यदि त्रिवेणी समय पर पहुंचने में कामयाब रही तो पहुंचते समय उसकी गति कितनी होगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है, 5.5 घंटे टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम है बता दिया गया दोस्तों, टोटल टाइम। फिर बताया गया 278 किलोमीटर यात्रा करनी है, डिस्टेंस टोटल कितनी बताई गई है, 278 किलोमीटर की क्या बताई गई है, एक प्रकार से दोस्तों दूरी बताई गई है, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। अब उसमें कहा गया है कि 3.5 घंटे में उसने 58 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, कि यानी कि 3.5 घंटे में वो 58 की स्पीड से तय करती है, तो टोटल दूरी कितनी तय करेगी, टोटल ही हमने दूरी देख लेते हैं कितना तय करती है। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों
3.5 का और मल्टीप्लाई दोस्तों 58, तो फाइनली ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा दोस्तों 203.0 बन जाएगा, यानी कि 203 किलोमीटर दूरी उसने क्या कर ली, तय कर लिया है। अब हमारे पास टोटल दूरी कितनी थी, ये टोटल दूरी थी हमारी इतनी, टोटल दूरी थी 278, 278 में दोस्तों 203 किलोमीटर दूरी उसने तय कर लिया है। अब शेष दूरी कितनी बची होगी, शेष दूरी हमारी बची दोस्तों कितनी, 278 थी। अब 278 में से दोस्तों उसने 203 कंप्लीट कर लिया, तो बची दूरी कितनी, 75 किलोमीटर की हमारी दूरी बची। अब टाइम दोस्तों हमको कितना बचा, शेष टाइम अगर देखें हम, टाइम हमारा शेष कितना बचा, शेष टाइम अगर देखें दोस्तों तो हमारा कितना बच जाएगा, 3.5 घंटे इसने यहाँ पे तय कर लिया, टोटल 5.5 घंटे। तो 3.5 घंटे में दोस्तों अगर हम देखें तो 3.5, 4.5 में 2 घंटा टाइम बचा। अब 2 घंटे टाइम बचा, लेकिन 2 घंटे में 20 मिनट ये विश्राम भी करता है दोस्तों, तो 2 घंटे यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट कम कर देंगे तो 100 मिनट का टाइम बचा। अब यहाँ पे दोस्तों कितना मिनट बचा, 100 मिनट का टाइम बचा। अब हमको स्पीड निकालनी है दोस्तों, अब उसको टोटल 75 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 100 मिनट का टाइम है, तो उसकी स्पीड बतानी है, तो स्पीड हम बिल्कुल आसानी से बता देंगे दोस्तों। स्पीड हमारी मतलब निकालनी है दोस्तों, तो 75 किलोमीटर ये हो गया और 100 मिनट की हमारी टोटल दूरी, वो मतलब समय बचा है दोस्तों। 100 को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो बटे कितना कर देंगे, 60, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 75 × 6 हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और हमारा 3 × 6 = 42, 3 = 45 हो जाएगा, नीचे 1 0 बचा है इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे 0 इससे ख़त्म कर दिया। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, हमारा यहाँ पे दिया गया, यदि एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हमको प्रतिशत परिवर्तन दोस्तों जानते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस यहाँ पे वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस यहाँ पे वाई अपान का कितना कर देते हैं, 100। ये कोई फार्मूला होता है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, इसमें इनपुट करेंगे हमारा आंसर बिल्कुल निकल आएगा। दोस्तों 15% बढ़ता है इसलिए हमने प्लस का 15 रख दिया, फिर यहाँ पे 20% घटता है माइनस का 20 रख दिया, फिर दोस्तों प्लस का 15 और यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस का 20 अपान का कितना कर देंगे, 100 कर दिया। तो 20 से 15 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे माइनस 5 बचेगा और यहाँ पे हमारा बचेगा 15 × 2 = 30 माइनस का 300 बटे कितना कर देंगे, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 × 3 = 8 दोस्तों माइनस का 8 आ गया, तो माइनस 8 आया इसलिए दोस्तों 8% की हमारी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर यही दोस्तों हमारा प्लस में आया होता तो 8% की वृद्धि होती, माइनस में इसलिए दोस्तों 8% की कमी। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 3 के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है, 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा, तो के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जे है और ये के है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या बताया गया दोस्तों, ये वर्तमान है, वर्तमान आयु का अनुपात इनका बताया गया है 11:6 दोस्तों 6 बताया गया है। 5 वर्षों के पश्चात यानी कि यहाँ से 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 बताया गया है। अब दोस्तों इनका हम डिफरेंट देखें तो यहाँ भी 1 का डिफरेंट है, यहाँ भी हमारा 1 का डिफरेंट है, तो ये 1 डिफरेंट बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, 5 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जब 1 = 5 है तो इसमें क्या पूछा गया है, के की वर्तमान आयु, दोस्तों के की वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी दी गई थी, 6, तो 6 × 5 कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो के की वर्तमान आयु कितनी बन जाएगी दोस्तों, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 1 के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। जब ये हमारा a − 1/a का इस होल स्क्वायर हमने कर दिया और यहाँ पे 7 दिया है, तो अब दोस्तों अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, अगर हम इसको ये वैल्यू दी गई है अब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 1/a² आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये ए से ए हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। दोस्तों a − 1/a की वैल्यू कितनी दी गई, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, a² + 1/a² देन हमारा दोस्तों आगे माइनस का 2 दिया है। अब 49 में दोस्तों इधर आएगा तो ये 51 बन जाएगा, तो ये हमारा a² + 1/a² बन जाएगा दोस्तों।
कुल मिलाकर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 51 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया निम्न में से किस संख्या का वर्ग मूल अपरिमेय है, अपरिमेय वर्गमूल हमको ये बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक से लेकर के 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर जो होते हैं उनके लास्ट टू डिजिट अगर मैच कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, अन्यथा वो अपरिमेय में आ जाएगा। दोस्तों अगर हम देखें ये 84 हमारा आता है 484, 484 दोस्तों हमारे किसका स्क्वायर होता है, 22 का होता है, इसलिए दोस्तों ये 84 हमारा मैच कर गया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये मूल अपरिमेय नहीं होगा। तो अब अगर दोस्तों हम नेक्स्ट देखें तो ये हमारा दिया गया 65, 65 हमारा एक से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं बनेगा, इसलिए हमारा ये रॉन्ग बन जाएगा, मतलब यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 25 दोस्तों हम जानते हैं 15 के स्क्वायर में मिल जाएगा, 15 हम 225, और दोस्तों ये हमारा हम जानते हैं 36 6 में मिल जाएगा दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है कौन सा हो जाएगा, सेकंड हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 3:16 है, यदि मिश्र धातु में चांदी का भार 4.8 ग्राम है तो इस मिश्र धातु में सोने का भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सोना चांदी, यानी कि ये सोना है ये चांदी बताया गया, अब चांदी का भार बता दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे चांदी कितनी बताई गई है दोस्तों 16, तो 16 बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.8, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 0.3 आ जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 0.3 आ जाएगा हमारा, 1 बराबर 0.3। हमको निकालना क्या है दोस्तों, सोने का भार, सोना कितना दिया गया है यहाँ पे दोस्तों 3 दिया गया है, तो हम दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 यानी कि ये सोना ही निकल रहा है दोस्तों, सोना बराबर 0.9 आ जाएगा, 0.9। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सेकंड के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा, 0.9 ग्राम। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया था मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया, यदि आर्यन को 551 रुपये प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितनी राशि प्राप्त होगी। दोस्तों आर्यन के यहाँ पे दिया गया है 29 बराबर 551 हो जाएगा दोस्तों, अगर हम 1 बराबर निकालें तो 551 अपान का दोस्तों 29, ये हमारा 19 टाइम में कट जाएगा, और दोस्तों तो 1 बराबर हमारा कितना हो गया 19। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पे मोक्ष की इनकम निकालनी है कि मोक्ष को कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो मोक्ष का दिया गया 13 दोस्तों, इसलिए हमने दोस्तों 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 247 बन जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों फोर्थ के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूँ कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था और इस पेपर का भी अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।